विजुअलाइजेशन हमें क्या बेनिफिट देगा, या सैंडबॉक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिसर्च करें, अच्छा आपको बहुत और कुछ चीजें मिलेंगी। लेकिन विजुअलाइजेशन ये देखे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम या तीन या चार या पांच मुझे एट अ टाइम चलाने, और आप चलाओगे आगे जाओ आपके पास ऐसे सिनेरियोस आएंगे जिसमें आप उस पर वर्किंग करोगे। अब सीन ये है कि आप हालांकि हर इसके लिए हार्डवेयर तो नहीं ले सकते, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इश्यू हो जाएगा, कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, और फिर आप लोग इतना हटाओ। तो विजुअलाइजेशन में यह है कि आप एक स्पेसिफिक हार्डवेयर पे अच्छी इन्वेस्टमेंट करके उसमें मल्टीपल सब एनवायरनमेंट बना लेते हो, गेस्ट बना लेते हो, जिसमें हम लोग आपस में एक दूसरे से वर्किंग कर रहे हो। दूसरा, फिर शायद भाई ने पूछा था कि हम विंडो क्यों यूज करते, हम लोग अपने होस्ट में लिनक्स क्यों नहीं करते। कर सकते हो, करो, लेकिन आप करोगे नहीं। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी फर्स्ट इंट्रैक्शन, फर्स्ट इंट्रैक्शन में हमेशा इंसान करता है, क्योंकि उस चीज पर यूज नहीं की होती, और जिस जो चीज इंसान को समझ नहीं आती ना, ये इंसान की साइकिल से डरता है। हम अगर टर्मिनल में आपको खोल दिखा दो, आप लोगों को ये क्या हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, आप उसको यानी प्रोसेस नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप बताओगे कि यार टर्मिनल में ये चीज ऐसे हो रही है। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब प्रैक्टिस होगी, जब चीजें होंगी, जब आगे आपके सिनेरियोज आएंगे, तो आप खुद बताओगे अच्छा इधर ये इधर इधर ये चीज। तो विजुअलाइजेशन आपको एक सैंड बॉक्स होता है, जिसमें हम देखें बॉक्स है, उसमें सैंड है, आप सैंड में जैसे मैनिपुलेशन करते हो वो बाहर नहीं आती। ठीक है, बाहर नहीं आती उस एनवायरमेंट, इसका मतलब जो आपके जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक है, आप जो मर्जी करें, आप वायरस डालें या खेलें उसके साथ, उससे आपके होस्ट को कोई अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सैंड बॉक्स का, तो इसको आप खुद अपने से भी रिसर्च करें और एक्सप्लोर करें। हमारे पास तीन एप्लीकेशन है यहाँ पे। ठीक है, वीएमवेयर होगी, हाइपर वी होगी, और ओरेकल वर्चुअल। VMware VMware Pro है, ऐसे आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा स्टार्टअप में। ठीक है, अब हमारा टास्क है, हम लोगों ने काली को इंस्टॉल करना। काली को इंस्टॉल करने से सीधी सी बात है, हम किसी की इंस्टॉलेशन करते हैं तो हम विंडो की किसी चीज की डिस्क इंसर्ट करते हैं, ऐसे ही ना, कि डिस्क डालते हैं, फिर इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलता है, ये है वो सारा कुछ होता है। लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एडवांसमेंट आ रही है, अब लोग डिस्क से स्विच होकर यूएसबी पे आ रहे हैं। यूएसबी से स्विच होकर आपके पास, अब आपके पास ऐसे डिस्क, डिजिटल डिस्क मौजूद है, आपको वो डिस्क डालने वाला भी सीन खत्म हो गया। अब डिजिटल डिस्क उठाएं, उसको लगाएं और उससे अपना इंस्टॉलेशन प्रोसेस करें। अब हमने करनी है, खाली लिनक्स, ऑब्वियस ही बात है, लिनक्स डाउनलोड करनी है तो मैं इनके ऑफिशियल पे जाऊंगा। ये ऑफिशियल पेज है फर्स्ट वाला। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ हमें मल्टीपल डिजिटल डिस्क नजर आ रही हैं। एक इंस्टॉलर है, एक लाइव है, एक नेट इंस्टॉलर है। ठीक है, लाइव का सीन ये है कि आप उसको इंसर्ट करेंगे, चलेगी, निकालेंगे, खत्म हो जाएगी, और रिफ्रेश ओरिजिनल स्टेट में दोबारा चलेगी। ठीक है, सेव का सीन चक्कर वहां नहीं होगा। इंस्टॉलर हमें करना है, हम इंस्टॉलर करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक मौजूद है। ठीक है, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, कस्टम में एडवांसमेंट, वो आके मजीद सवाल आप पूछ रहे हैं, आपने ये करना है, ये करना है, यानी ऑल्ट्रेशन डिटेल में। लेकिन हम अभी टिपिकली जो रिकमेंडेड है एज अ न्यू यूजर, उसमें जाते हैं, इंस्टॉलर डिस्क, इंस्टॉलर डिस्क फाइल इमेज, डिजिटल डिस्क की बात करें वो। अब वो आपके पास यहाँ पे आप उसको पाथ दोगे कि मेरी आईएसओ इमेज यहाँ पड़ी है। अब पूछ रहे वीएमवेयर का नाम, यानी कि कौन सा नाम अपने विजुअल बॉक्स में वीएमवेयर में शो करना चाह रहा है, किस नाम का डिवाइस शो हो। यहाँ लिखते हैं आप काली लिनक्स, आगे लिखते हैं देन, उसके बाद नीचे बात आ रहा है कि वो जो भी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट हमारा बना रहा है वो एनवायरनमेंट स्टोर कहाँ करना है। ठीक है, आपको एनवायरनमेंट साफ देना, हमारे फिजिकल कंप्यूटर में कहीं ना कहीं स्टोर होगा। बाय डिफॉल्ट को एनवायरनमेंट स्टोर होता है सी ड्राइव के अंदर, डॉक्यूमेंट के फोल्डर के अंदर, और डॉक्यूमेंट भी नहीं, पब्लिक डॉक्यूमेंट के फोल्डर में। ठीक है, बट अब सी ड्राइव में हम लोग तो कंजूसिंग का स्पेस देते हैं। ठीक है, कि हम 100 GB 4 GB देते हैं, तो हमें 4 GB तो पहले इसको लोड करनी है,
मैंने VMware के लिए अलग एक अपना पार्टीशन बनाई हुई है, डी ड्राइव, ठीक है, डी पार्टीशन जो है मैंने VMware के रखी हुई है। तो मैं ब्राउज करके VMware में मेकअप फोल्डर का ऑप्शन, थोड़ा सा मेकअप फोल्डर करें या सेम वही नेम दे दें, ठीक है, ये नेम आप चेंज भी कर सकते हैं कि हम फोल्डर का नाम कोई और, मशीन का नाम कोई और, लेकिन अच्छा है कि आप मशीन का फोल्डर का नाम सेम रखें, क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा मशीन है तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है एक्चुअल कौन सी मशीन के में चल रही है। सेलेक्ट करने के बाद नॉर्मली आप नेक्स्ट कर देंगे, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ आपसे हार्ड ड्राइव पूछ रहा है कि मेरे लैपटॉप में SSD लगी हुई है 500 GB की, ठीक है, अब 500 GB की SSD है तो वो क्या 500 GB यूज करेगा? नहीं, हम एक इन्वायरमेंट बना रहे हैं, हमें यहाँ असाइन करनी है कि 500 GB नहीं, जस्ट तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट है तुमने 80 GB यूज करनी है, ज्यादा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट कितनी है, 8 GB होगी, 16 GB, इस 20 को रिप्लेस करके आप 80 GB कर। अब अगर मेरे लैपटॉप में 80 GB स्टोरेज नहीं भी है तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन लाजमी नहीं 80 GB, 1.5 GB इनफ है। मैं 80 GB इसलिए करवा रहा हूँ, हम जो टूल्स वगैरह डाउनलोड करेंगे वो भी इसी पार्टीशन में ही डाउनलोड होंगे, वो इस 80 GB को ही यूज करेंगे। जब ये 80 GB फिल हो जाएगी तब मुझे क्या करना पड़ेगा, नई पार्टीशन ऐड करनी पड़ेगी VMware में, यहाँ पे दोबारा से इंस्टॉलेशन करनी, ठीक है। तो 80 GB अलाउट करने के लिए मेरे स्पेस अवेलेबल है इस ड्राइव में, अगर कि आपका स्पेस की अवेलेबल नहीं है तो आप 20 GB में भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग कर सकते हैं, जब आप टूल्स वगैरह ऑपरेटिंग करेंगे तो वो आपको प्रदान करेगी। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 30 GB तो उसे दे आते, ठीक है, ये नहीं कि इंस्टॉलेशन में नहीं वो 30 GB इस्तेमाल कर लेगा, नहीं। नेक्स्ट ये देखिए हमारे पास आप समरी दे रहे हैं कि अब देखो उन्होंने रैम में मुझसे पूछी, उसने क्या किया, मेरे सिस्टम की रैम के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली जो बेहतर लगी उसने अलॉट कर दी, ठीक है, मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग जो फिर प्रोसेसर पावर बेहतर लगी VMware एनवायरनमेंट को देने के लिए वो उसने अलॉट कर दी। तो उसने मुझसे पूछा क्या हार्ड ड्राइव हार्ड स्पेस कितनी देनी है, देन IFO, ठीक है। अब यहीं पे कस्टमाइज अगर आप करके क्लिक करें तो आप उसे हार्ड को चेंज कर सकते हैं, ये तो वहां पे आप सारे इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं कि क्या वो एक्चुअल कह रहे हैं क्या नहीं ना। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि उसने मेमोरी 2 GB दी है, इट मीन्स मेरे सिस्टम में रैम है 16 GB की, तो 16 GB में से उसने 2 GB जो है स्पेसिफिक कर दी है, अलॉट कर दी है VMware को। अच्छा एक क्वेश्चन क्लियर करता जाऊँ कि ये 2 GB क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा 2 GB आप इस्तेमाल होगी नहीं मेन मशीन पे, नहीं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 2 GB वो है अगर ये मशीन चल रही होगी तब ये मैक्सिमम 2 GB इस्तेमाल कर सकती है, 2 से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर। तो ये है, देन इसकी सेटिंग हम कल देखते हैं, आप लोग को जो मिलेगा सेटिंग थोड़ी इनके जो मिलेंगे ये सेटिंग स्टार्टिंग में टाइम लगता है, 2 GB हमने तो रैम दी है, 2 GB हमने रैम दी है, 2 GB रैम के फुल जो इनका काम आता है पावर सिस्टम की स्लो होती है, अगर हमारे पास टोटल सिस्टम की रैम 4 GB अब 1 GB ले लें 512 के ऊपर बिल्कुल फिट चलते रहेंगे, नहीं 1 GB देंगे तो ये तो स्लो करेंगे जो हम लेंगे फिर। आप लोगों का जो सिस्टम का इशू आता है ना मोस्टली VMware करने के बाद वो आता है हार्ड ड्राइव का, हम लोग का SSD लगी होती है, हार्ड ड्राइव लगी होती है और हार्ड ड्राइव की स्पीड होती है डेटा रेट होता है कम, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो स्लो रिस्पॉन्स देती है, लेकिन इसको भी हम जल्दी खत्म कर देंगे क्योंकि हम ऑफलाइन काम ही नहीं करेंगे, काम ही ऑनलाइन करेंगे। आप लोगों को सबके पास अगर हैवी सिस्टम नहीं भी है तो कोई बात नहीं, 4 GB रैम 128 GB SSD रिक्वायर्ड है, ले आए सिस्टम हम शुरू करें, ठीक है। देन उसके बाद आपका VMware एनवायरनमेंट रेडी है, हमने फ्लैश दे दी है, जस्ट पावर टू दिस मशीन करना है और स्टार्ट, ठीक है। ये सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया, ठीक है, नॉर्मली ये स्लो होता नहीं है लेकिन हो गया तो कोई बात नहीं है, स्लो होने का आप रिस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक तो स्लो होने की रीजन आपको बताता जाऊँ साथ साथ कि आपका नॉर्मली स्लो होगा हार्ड ड्राइव की वजह से, ठीक है, मेरा सिस्टम हार्ड ड्राइव की वजह से स्लो नहीं होता, अगर स्लो होता है तो प्रोसेसर की वजह से होता है, ठीक है, ना हार्ड की वजह स्लो होता है ना रैम की वजह से स्लो होता है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तब आपका सिस्टम नॉर्मली भी ज़्यादा यूज कर रहा होता, ज़्यादा यूज कर रहा होता है, ठीक है। ओके हो गया, नेक्स्ट कर दिया, बेसिक्स का दोबारा से फॉलो किया जा रहा है, वही सेम जो मैंने अभी आपको बताया है वही दोबारा से फॉलो होगा,
फिर उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट है और आपकी फाइल में स्टार्ट हो जाएगी और वाटर इंस्टॉल हो जाएगी। एक क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ सकते जो आपके पास अपने यहाँ पाकुरपुर के लिए रूम डब्ल्यूडी के नाम से कंटिन्यू किया, यहाँ आपसे टाइम जोन पूछ रहे, मैंने तो आज तक ग्रीन जो आया डिपार्ट नेक्स्ट ही बोले आज तक चेंज नहीं किया, ठीक है बाकी आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल सेटिंग करने के बाद अभी आपको यहाँ पे ये बड़ा इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका हार्ड ड्राइव के हवाले से, डेटा स्टोरेज के हवाले से, क्योंकि हम साइबर सिक्योरिटी का डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली आपका है कि जो आपका डेटा है जो लिनक्स का अपना लिनक्स खुद और लिनक्स के अलावा जो हम फाइलें डाउनलोड करेंगे डेटा रखेंगे वो डेटा इंक्रिप्शन के साथ स्टोर हो कि विदाउट एनी इंक्रिप्शन स्टोर हो। नॉर्मली हम क्या करते हैं फर्स्ट वाला यूज एंट्री पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देते हैं कि ये एज इज जो मौजूद है यही इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारा डेटा जो है वो प्रोटेक्टेड तो होता है लेकिन हमारे जस्ट अकाउंट थे और पासवर्ड थे, उस प्रोटेक्शन के अलावा हमारा बाहरी कोई भी इंक्रिप्शन या कोई फार्मूला उस पर अप्लाई नहीं होता। लेकिन लिनक्स आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी हार्ड डिस्क को सेटअप कर लें एलवीएम के साथ। एलवीएम एक एल्गोरिथम है लिनक्स का, ठीक है, जो क्या करता है डेटे को इंक्रिप्ट करके स्टोर करता है। स्टार्टिंग फर्स्ट वाले पे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि नीचे वो दो स्टेप कल ये स्टडी करके आएंगे, ये हम एक्सप्लेन करेंगे, देन हम जो पैर टू पूछा कर रहे हो उस पर देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए हमारे पास एक विजुअल स्पेस आ गई है, हार्ड डिस्क आ गई है, कितने जीबी की है 85.9 जीबी की स्टोरेज, यहाँ हमें बता रहे हैं कि हार्ड ड्राइव जो लगी हुई है वो 85.9 जीबी की हार्ड ड्राइव इसमें लगी हुई है, ठीक है। अब इसको आप एज इज कंटिन्यू करेंगे तो आपको सिर्फ एक स्पीड ड्राइव बन जाएगी। कंटिन्यू सर, एक और चीज पूछनी है, ओके सर, जब आप ये शॉर्ट कर रहे हो तो आपको ये ऐप फुल कॉल कर रहा होता है जो कि ऑनलाइन पड़े, तो फिर इसका नेट तक कनेक्ट होना जरूरी होता है सर। कॉमन सेंस ऑनलाइन पड़े हैं सारे नेट तक कनेक्ट होगा तो करेगा इसमें ये होता है कि नॉर्मली मैं भी उसमें पाके आने बताता हूँ आपका क्वेश्चन वैलिड है आंसर भी इसका नहीं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप आ रहे थे ऑप्शन फिर से जैसे हमने लिंक सेलेक्ट करके उसकी इंक्रिप्शन सेलेक्ट की है कि कोई इंक्रिप्शन नहीं लगानी बेसिक लेवल है, नेक्स्ट किया तो अगर फिर तीन लेवल आ गए तीन पॉइंट आ गए all file in one partition recommended for new users, so we are new first pe click karenge theek hai to humne bhi starting wala click kiya hai। सेकंड वाला जो है वो हम कल देखते हैं, कल नहीं हम वो नेक्स्ट वीक में कर देखेंगे क्योंकि उसमें जब तक आपको बेसिक लिनक्स नहीं आएगा तो उसको ऊपर डिस्कस करना भी समझने के मजे की बात नहीं है, समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे ही हमने फर्स्ट पे आपने क्लिक करके बाय डिफॉल्ट जो आया था नेक्स्ट भी है तो हमारे पास बात है उसने लॉजिकल ड्राइव और एक प्राइमरी ड्राइव बना दी है कि ये दो ड्राइव उसने क्रिएट की है, एक सी ड्राइव और एक कैश मेमोरी के लिए ड्राइव क्रिएट की है और उसका फॉर्मेट जो है वो उसने सेलेक्ट किया है यहाँ पे EXT4 और सेकंड जो उसने लॉजिकल ड्राइव है उसका ऑप्शन यहाँ रखा है SWAP के नाम से, ठीक है। इन दोनों में आपका फाइल फॉर्मेट तो फर्क होता है, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है। अभी विंडोज के फाइल फॉर्मेट तो बता वो भी हम जब इंस्टॉलेशन लगी होगी ना तो ड्राइव भी लगेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ऐसे फिनिश पे क्लिक कर रहे हैं कि फिनिश हो जाए सेटअप, अब वो हमें यहाँ पे दोबारा से वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या वो डिस्क में चेंज करना चाह रहे हैं कि नहीं, यहाँ इसके हमें वो बॉन करते हैं कि वो जो आपने पार्टीशन दी है वो फॉर्मेट करेगा, फॉर्मेट करके दोबारा से वो डी राइट करेगा EXT4 में
और एस डब्ल्यू ए पी में, ठीक है। तो हमने यस किया है कंटिन्यू, नाउ पार्टीशन परमिट होगी और अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। अब यहाँ डिपेंड ऑन सिस्टम है, 5 मिनट लगे, 7 मिनट लगे या 10 मिनट लगे। अच्छा जी, ऑफलाइन इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, वो है हमारे पास ये वाला सॉफ्टवेयर वर्जन। इसमें कुछ स्टेप हैं कि बेसिकली हमारा ग्राफिक और इंटरफेस को इनहांस करता है, वर्जन थोड़ा चेंज करता है, ठीक है। तो ये नेट से डाउनलोड करेगा, जैसे वो कह रहे हैं कि नेट से एक्सटर्नली टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर टूल्स हैं, वो भी आप लोग चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। देन डिफॉल्ट रिकमेंडेड और ये चीजें आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जब मुझे पसंद है मैं वो करूंगा। थर्ड नंबर वाला टेलीमोन, वो अच्छा है, इंटरफेस देता है। ये ग्राफिकल इंटरफेस है कि आपके टेक्स्ट का एनवायरनमेंट कैसा हो। देन लास्ट वन भी करें डिफॉल्ट, इससे आपका एक दो सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा यूजर हो जाते हैं। Thank you.